हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता और आप देख रहे हैं नीता सिंह दिल की बात। ये मेरा लौकी का पौधा है और इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसे मैंने कैसे ग्रो किया है, कौन कौन से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दिया है, साथ ही 3G कटिंग के बारे में भी बताऊंगी जिससे आप अधिक से अधिक फल पा सकें। जैसे ही पौधा थोड़ा लंबा हो, सहारे के लिए डोरी बांध दें और जब 10-12 पत्तियाँ आ जाए तो पहली कटिंग कर दें जिससे न्यू शूट्स निकलेगी, जिसे सेकेंड जनरेशन यानी 2G कहते हैं। जब 2G वाली डाल 2-3 फीट लंबी हो जाए तो एक बार फिर कटिंग कर दें। फिर जो ब्रांच निकलेगी उसे थर्ड जनरेशन यानी 3G कटिंग कहते हैं। अब 3G कटिंग करना क्यों ज़रूरी है बताती हूँ। फर्स्ट ब्रांच में मेल फ्लावर ज़्यादा आते हैं, फीमेल फ्लावर कम, और थर्ड जनरेशन वाली ब्रांच पर फीमेल फ्लावर अधिक आती हैं तथा मेल फ्लावर कम। इसकी पत्तियों से बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है, इसलिए कुछ लताएं जो नीचे लटकी हुई हैं उन्हें मैं काट ले रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। दाल और चावल को धोने से जो पानी निकला है उसे मैं डाल रही हूँ। अगर लौकी काली पड़ जाए या सूख कर नीचे गिरने लगे तो हैंड पॉलिनेशन करना पड़ता है। बहुत ही आसान है, ये मेल फ्लावर है और इसके सेंटर में पीले रंग का जो पार्ट देख रहे हैं उसे ही फीमेल फ्लावर के पीले पार्ट पर टच करना पड़ता है। यह फूल तो सूख गया है तो इसका इस्तेमाल ना करें, जो ताज़ा खिला हुआ हो। हाँ, ये वाला फूल खिला हुआ है तो मेल फ्लावर को तोड़कर फीमेल फ्लावर के ऊपर रगड़ देते हैं। अगर आपके गार्डन में तितलियाँ, भौरे, मधुमक्खियाँ आते हैं तो हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम एक और होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार कर लेते हैं इनके लिए, क्योंकि अब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है तो यही सही मौका है। चावल पकाने के बाद जो माड़ निकलता है वो पानी है ये, लेकिन इसे डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, डाइल्यूट कर लेंगे वरना फंगस लग जाएगी। यदि आप फिश खाते हैं तो फिश को धोने के बाद जो पानी निकलता है उसका प्रयोग लौकी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको 3G कटिंग के बारे में भी बता दिया, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी बताया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं